गुजरावाला में इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा वोटों की गिनती के फैसले के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे देते हुए लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने एहसानुल्लाह विर की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन हारने वाले उम्मीदवार जुल्फिकार अहमद समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और जुल्फिकार अहमद समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। गुजरावाला में दोबारा वोटों की गिनती के हवाले से फैसला महफूज। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी है। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। आपको बताएं दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और जुल्फिकार अहमद समेत दीगर फरीक बनाए गए हैं। NA 79 गुजरावाला में दोबारा वोटों की गिनती के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी है। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। सिप्तान अली बताएगा महफूज फैसला सुना दिया गया है। जी बल्कि NA 79 गुजरावाला में इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा वोटों की गिनती के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत का देते हुए मुस्तरद कर जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने एहसानुल्लाह विर की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन हारने वाले उम्मीदवार जुल्फिकार अहमद समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार NA 79 गुजरावाला से 1,04,000 से ज्यादा वोटों से मुंतखिब हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारा से तजावज करके दोबारा वोट गिनती का फैसला दोबारा फैसला दिया गया था। सिप्तान अली आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।